एक जगह सेवा कार्य की दृष्टि से आयोजन हुआ। लोगों ने अपने मित्र से कहा कि तुम इतने धनी आदमी हो, देओ कुछ। कहने लगा कि अब सब लोग दे रहे हैं तो हमारा देना जरूरी है क्या? अरे भाई, तो सब लोगों को अपनी करनी का फल मिलेगा, तुम भी तो कुछ कर लो। अच्छा, तो ठीक है, अच्छा एक एक काम करते हैं, क्या कल देंगे? ठीक है। दूसरे दिन आया एक रुपया लेकर, पुराना जमाना, चांदी का रुपया, सो मुट्ठी में दबाए। अब सोचे दें कि न दें, दे देना चाहिए। अच्छा, फिर बोला अब जरूरी थोड़ी कि हम भी दें, इतने लोग दे ही रहे हैं। फिर अब जैसे जैसे देने का मन आवे वैसे मुट्ठी और कड़ाई से बंद करे, लेकिन सोचा अब दे ही डाले। अब आध घंटा तो यही सोचता रहा, दें कि न दें। फिर सोचा देख लें एक बार, फिर तो ये देखने को मिलेगा नहीं। सो जैसे ही मुट्ठी खोली तो हाथ पसीज गया था, दिल तो नहीं पसीजा, हाथ पसीज गया, पसीना आया। और जो देखा कि हाथ पसीज गया, पसीना, सो रुपये से बोला, अरे तुम बहुत रोते हो, हम तुम्हें किसी को नहीं देंगे, फिर जेब में रख लेंगे। एक वे हैं जो छोड़ते नहीं। हाँ, मुझे एक संत कथा सुना रहे थे, एक सज्जन का नाम था दानचंद। गंगा जी से 12 किलोमीटर दूर उनका गांव था। दानचंद को भगवान ने संपन्नता तो दी थी, धन तो दिया था, लेकिन लोभी इतने थे कि लोगों ने व्यंग में ही उनका नाम दानचंद रख दिया था। कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, कहते खर्च होगा। तो पत्नी ने कहा कि गंगा जी नहाया, 12 किलोमीटर दूर हैं, इसमें क्या खर्च हो रहा है, चले जाओ, सवारी की भी जरूरत नहीं, पैदल पैदल चले जाओ, पर गंगा जी तो नहा लो। ठीक है, बहुत कहा तो सोचा जीवन में एक बार गंगा जी नहा लें, क्या हर्ज, 12 किलोमीटर दूर हैं गंगा जी, जा पैदल पैदल गया, खर्चा कौन करे सवारी। अब गंगा जी किनारे पहुंचकर सोचा घाट पर नहीं जाएंगे, वहां पंडा लोग रहते हैं, पंडा कहेंगे विधान दो, तो मुर्दा घाट पर गए। हम मुर्दा घाट तो खाली रहता, कभी 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 दुनिया में अपने घर में कोई सीट खाली करता है तो मुर्दा घाट भरता है, बाकी तो खाली है। सोचा ये ठीक, न पंडा का झंझट, न दान का, न पुण्य का। गए, सो कपड़े उतारे, इधर उधर देखा कोई नहीं है, सो सोचा डुबकी लगा ले। सो जैसे ही प्रवेश किया डुबकी लगाई। अब कथा बड़ी सुंदर है, भगवान को हंसी लगी कि इतना लोभी आदमी नहीं देखा। तो भगवान ने सोचा कि चलो आज हम इसको छकाते। तो दानचंद ने देखा इधर उधर कोई नहीं था, पर गंगा जी में जैसे ही डुबकी लगा के और बाहर निकले, वैसे ही पंडा के रूप में भगवान उपस्थित। यजमान की जय हो। दानचंद बोले तुम कौन हो? भगवान ने कहा कि हम पंडा हैं, संतोषी ब्राह्मण हैं, इसी घाट पे पड़े रहते हैं। दानचंद बोले मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। पंडा जी बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं और घाट पर तो और पंडा लोग रहते हैं, हम तो यहीं पड़े रहते हैं, और हम हमारे लिए कोई ना कोई आप जैसा यजमान आ जाता है, एक एक वर्ष तक का खाने पीने का इंतजाम कर देता है। दानचंद बोले एक एक वर्ष इंतजाम, हम एक दिन का भी नहीं कर सकते, एक समय का भी नहीं। पंडा जी बोले कोई जबरदस्ती थोड़ा ही है, आपकी जैसी श्रद्धा हो, कुछ तो कुछ कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। दानचंद बोले हमने आज तक नहीं दिया। पंडा जी बोले आज तो देना पड़ेगा। तब सोचा क्या करें, बोले उधार दे रहे हैं। उधार? हाँ। कितना? बस वो एक धेला, उन दिनों चलता था एक धेला, बस एक पैसा। भगवान ने कहा चल दिया तो संकल्प करा लिया, एक धेला उधार दे। 12 किलोमीटर गया, नहाया, फिर 12 किलोमीटर पैदल चलकर आया। शाम होने को आई, थका हुआ दानचंद बेचारा घर में भीतर सोने ही जा रहा था, तब तक दरवाजे पे आवाज आई, यजमान की जय हो। दानचंद का देखो कौन है, पत्नी बाहर गई, देख
का आई और बोली किसी पंडा से कुछ देने के लिए कहे आए थे। ध्यानचंद जी ने कहा था, बोले आ गए बाहर आई हैं। ध्यानचंद बोले आ गया वो? हाँ। ध्यानचंद बोले कि कह दो कि अभी ध्यानचंद बीमार हैं, दो चार दिन बाद आना। पत्नी ने कहा कि वो तबीयत खराब हो गई, वो बीमार ज्यादा हैं, आप दो चार दिन बाद आना। पंडा जी बोले दान मिले चाहे ना मिले, पर हमारे संकल्प में वो हमारे यजमान, यजमान बीमार हो ऐसे संकट के समय यजमान को छोड़ना धर्म नहीं, हम भी यहीं रहेंगे जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते, यहीं इंतजाम कर दे। आप तो सामग्री ला दो, हम तो बना लेंगे अपने हाथ से भोजन। पत्नी ने फिर जाके कहा, पर ध्यानचंद भी अद्भुत आदमी, कहने लगा नहीं जा रहा ना, बोलो कह रहे यहीं रहेंगे जब तक बीमार रहोगे। ध्यानचंद बोला तो कह दो मर गए वो। तो ये ऐसे कैसे कह दें? ध्यानचंद बोले तुम कह दो हम श्वास रो के पड़े रहेंगे। पत्नी ने झूठे जाकर रोते हुए अभी अभी चले गए वो, समाप्त। पंडा जी बोले चले गए मर गए? अरे राम राम, लेकिन यजमान का जब तक अंतिम संस्कार ना हो जाए हम कैसे जा सकते? और तुम कहाँ बुलाती फिरोगी लोगों को, गांव इतना बड़ा, हम ही सबको खबर किए देते हैं। अब पत्नी बहुत कुछ सुनो सुनो पंडा जी, तब तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, पूरे गांव में कह दिया कि ध्यानचंद चले गए चले गए। अच्छा लोग सचमुच इकट्ठे हो गए और भगवान को भी मन में हंसी लगे, ऐसा जिद्दी आदमी श्वास रोके पड़ा। लोगों ने उसे मुर्दा समझकर उठाया। अब उसकी पत्नी रोवे और वो सही में रोवे, वो कहे ये मरे नहीं है। और गांव वाले कहते जाने वाला तो गया, ये तो तुम्हारा मोह है। वो कहे कि नहीं मरे गए वो, तो वो बेचारी रोती रही, कौन सुने। ध्यानचंद को उठा लिया बांध लिया और वो भी बंध गया। भगवान ने कहा कि हद हो गई, ऐसा आदमी हमने नहीं देखा। भगवान को लगा कि सब हमसे हार जाते हैं, आज हम हार गए इससे। ले गए चिता पर रख दिया, अग्नि लगने वाली थी। भगवान ने कहा ये मर जाएगा लेकिन देगा नहीं कुछ। तो भगवान ने कहा कि यजमान के कान में हम कुछ मंत्र बोलेंगे। हाँ ठीक है। सो भगवान ने कान में कहा, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। भगवान ने कहा कि हम हार गए, हम भगवान हैं, बैकुंठ से आए, तुम्हारे नाता हमने जोड़ा। सो पंडा ने जो कहा कि आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, तो ध्यानचंद ने सोचा ये तो भगवान है। सो आंख खोली और जो आंख खोली सो वही पंडा, और जो पंडा को देखा तो फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा कि हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, मांग ले हो वरदान कछु, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। तो ध्यानचंद क्या बोला? बोले धेला दीजिए छोड़, बस वही छोड़ दो और कुछ नहीं चाहिए। अब बोलो